हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। माय सेल्फ सौजदीप, आशा करुच्छे आपण मैंने समस्त भले थे। सो फ्रेंड्स, आम प्रीवियस लेक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रो फोर्थ लेवल इकोसिस्टम संपर्क आलोचना करते। इकोसिस्टम रे डेफिनेशन तथा डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जहाँकि एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट संपर्क आलोचना करते। सो फ्रेंड्स, मोर प्रीवियस लेक्चर रे दुईटी प्रश्न थिला, प्रश्न डी थिला जहाँकि ग्लुकोजर संकेत एवं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रा इक्वेशन। सो आंसर टी मु कहि रखुचे, ग्लुकोजर संकेत होची C6H12O6, ओके। एवं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रा इक्वेशन टी होची 6CO2 + 6H2O। आमर सूर्यालोक उपस्थित रे क्लोरोफिल अणु रे प्रतिरे थिबा क्लोरोफिल अणु रे एवं सनलाइट उपस्थित रे आमर सुगर प्रस्तुत होता है जहाँ कि कहली ग्लुकोजर संकेत C6H12O6 एंड ऑक्सीजन 6O2। सो ये हूँ आम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रो इक्वेशन एवं ग्लुकोजर संकेत टी हूँ C6H12O6। सो फ्रेंड्स, आम आज लेक्चर आम एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक संपर्क डिस्कशन करवा जहाँकि इकोसिस्टम रो क्लासिफिकेशन एवं इकोसिस्टम रो आम के प्रकार सुविधा और सेवा पाईपे तथा इकोटोन एड्ज एफेक्ट एड स्पेसीस इकोलॉजिकल नीचे संपर्क आम जानवा। सो लेट्स टू नो, लेट्स टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। सो नेचुरल इकोसिस्टम आमर दुई भाग भाग कर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड आक्वाटिक इकोसिस्टम। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम साधारणतः आमर फॉरेस्ट ग्रेसलैंड इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम एंड आक्वाटिक इकोसिस्टम कहले आम साधारणतः फ्रेश वाटर इकोसिस्टम सालाइन वाटर इकोसिस्टम एवं मारैन वाटर इकोसिस्टम कथा बुझिबा। सो देखिबा इकोसिस्टम होमियोस्टेसिस गोटे इकोसिस्टम गोटे पाखे गोटे क्षमता थाए जे निजर एनवायरमेंट को तार सराउंडिंग गोटे इक्वल इक्विलिब्रियम रे बजाय रखा। सो दिस टाइप ऑफ कैपेसिटी इकोसिस्टम रे से कैपेसिटी को आम होमियोस्टेसिस कहचे। इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दे कैन रेगुलेट देयर ओन स्पेसीस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेस। प्रत्येक स्पेसीस रो गठन भित्तिक एवं कार्यभित्तिक प्रोसेस को सुचारू रूपे संपादन करिबारे आम इकोसिस्टम सक्षम अटे। सो दिस कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज नोन एज होमियोस्टेसिस। सो आम देखिबा केउ प्रकार सुविधा और सेवा आम इकोसिस्टम आम पाइपे आम इकोसिस्टम आमको प्रोवाइड करूछि। प्रोविजन ऑफ फूड फ्यूएल एंड फाइबर आम इकोसिस्टम आम सुविधा निहती अच्छी। आम आम क्षुदा निवारण आमर आमर इकोसिस्टम आम खाद्य पाइपे तथा ईंधन पाइपे एवं फाइबर तथा आमर बासगृह बनवाई आम से सेल्टर बिल्डिंग समस्त प्रकार मटेरियल पाइपे। नेक्स्ट आमर इकोसिस्टम गोटे प्रकार कैपेसिटी अच्छी जोटा कि प्यूरीफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर। सो ये प्यूरीफिकेशन किए करते ना उद्भिद बुझिपार तो ये प्यूरीफिकेशन करुच्छे किए ना प्लांट। सो आजिका डेट्रे जो परिमाण प्लांट रो डिस्ट्रॉय कर मनुष्य लगी निजर आवश्यकता पूरण पाई। सो फल आमर एयर पल्यूशन रात्रा बढ़ुची वाटर पल्यूशन रात्रा बढ़ुची। सो एयर पल्यूशन एंड वाटर पल्यूशन मेनी कॉज अच्छी तथापि ये मध्य गोटे कॉज अटे जे डिफॉरेस्टेशन होबा द्वारा एयर पल्यूशन एवं वाटर पल्यूशन होइथाय। तेणु फ्रेंड्स गछ नष्ट करंतुनि, आजिका डेट्रे गछर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु वृक्षरोपण करंतु, सो फलरे आमर एयर एंड वाटर पल्यूशन केते मात्रा रे निहाती कमी पारे। ओके,
देन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट आमर वेस्ट गुड़िक जो आम विभिन्न जिनस यूज करदेला कि ऑर्गेनिज्म डेड हो गला जितेबाला मटी पड़ जाए तेणु ये जो मटी पड़ी से कौन करे ना पूरा सराउंडिंग टाक असना कर दिए एवं फल कौन हुए ना गोटे अस्वस्तिकर परिवेश सृष्टि होता है तेणु यू डिटॉक्सिफाइड करने डिकम्पोजिशन करने आमर मेनी ऑर्गेनिज्म अच्छा जहाँ कि आम प्रीवियस लेक्चर रे डिस्कशन करते डिकम्पोजर संपर्क में जो मैंने प्रीवियस लेक्चर को देखी ना तो सो प्लीज प्रीवियस लेक्चर गुड़ी देखु यही प्रकार सुविधा आम सेवा आमदी आम इकोसिस्टम जोगे थाए तथा स्टेबिलाइजेशन एंड मॉडरेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट आमर पृथ्वीर जलवायु को मॉडरेशन दिन दिन चेंज होता है सो जदि यही कथा आम नजर को आनवा आम आगामी 20 वर्ष तल कथ देखा वर्तमान समय देखा 20 वर्ष तले एत प्रकार कौन सी प्रकार प्राकृतिक विपर्यय ही नाला कि वर्तमान स्टेज रे क्लाइमेट बदलुची ठीक वर्षा ठीक समय रे वर्षा भी होना जो समय वर्षा न होगा कथा से ही समय वर्षा होना ना सो यही प्रकार मॉडरेशन होता है क्लार्स क्लाइमेट रे जदि कौन सी प्रकार इकोसिस्टम कौन सी पार्ट बिगिड़े कौन सी पार्ट जदि बिगिड़ा तार संपूर्ण इकोसिस्टम बिगिड़े आरंभ हो जाए देन मॉडरेशन ऑफ फ्लूड्स ड्राउट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड फोर्स ऑफ विंड यही प्रकार फ्लूड्स ड्राउट बन्या बात्या मरुड़ी यही सब विभिन्न प्रकार आसता है आमर इकोसिस्टम तेणु ये मध्य एक प्रकृतिर दान अटे कहवा गल जस्ट लाइक ये ह्यूमन लेसन गोटे मनीष को गोटे प्रकार सतर्क कर दिए ये जिनस मध्यम जे ये मनीष नेक्स्ट मानने सजग हो जाऊ परवर्त समय जो प्रकार विपद माड़ी आस देन पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग मेनी क्रॉप्स कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज पोलिनेशन माने परागण माने प्लांट मानकर वंश वृद्धि करिवारे जो मान जीव माने साधारणतः सहाय्य करछन तनु से जीव मानकर ए प्रकार सुविधा जो गोटे प्रकार एनवायरमेंट आम इकोसिस्टम आम दी प्रोवाइड करथाय देन जेनरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आमर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग घटिकिरी ए प्रकार कौन ना नुआ नुआ जेनेरेशन सॉइल मूर्तिकार उर्वरता मध्य बढ़ी थाए देन कल्चरल एंड एस्थेटिक बेनिफिट तथा मेंटेनेंस एंड ऑफ जेनेटिक रिसोर्स आज की इनपुट टू क्रॉप वैरायटी ऑफ लाइफ स्टॉक ब्रीड्स एंड मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट सो यही प्रकार सुविधा आमको आम इकोसिस्टम सेवा और सुविधा प्रोवाइड करथाए देन देखिबा इकोटोन संपर्क रे सो फास्ट आम इकोटोन डेफिनेशन जानवा पूर्व प्रथम मुझे एग्जांपल माध्यम आपको इकोटोन कौन बुझे दूचे सो दुईटी इकोसिस्टम कथा कहवा जस्ट लाइक इट इज ए इकोसिस्टम इकोसिस्टम वन एंड अनदर इट इज ए इकोसिस्टम सो यही दुई इकोसिस्टम जो जगह इंटराक्ट इंटराक्शन होती जो पोर्सन टी देखु मुझे जो पोर्सन टी सेडेड कली यही जो पोर्सन से इंटराक्शन होती सो यही स्थान रे कौन हुए ना यही इकोटोन टी सृष्टि जोन ऑफ टेंशन आम कहे जोन ऑफ टेंशन सो यही चित्रटी देखु ये लैंड इकोसिस्टम एंड आक्वाटिक इकोसिस्टम बोथ आर जॉइनिंग होती यार गोटे ट्रांजिशनल इकोसिस्टम सृष्टि देखि पार्छन एटार गोटे ट्रांजिशनल इकोसिस्टम सृष्टि जहाँकि विभिन्न प्रकार प्राणी देखि पार्थे टर्टरीज फ्रॉग्स विभिन्न प्रकार प्राणी मैंने स्थान में सृष्टि होता देन या सहित आम एग्जांपल को नहीं पारिबा आमर ओडिशार थिबा पक्षी अभयारण्य चिलिका कथा नहीं पारिबा एवं राजस्थान थिबा भरतपुर पक्षी अभयारण्य कथा नहीं पारिबा तथा आमर मैनग्रोव फॉरेस्ट जहाँकि आम कहे ओडिया रे हेंताल बण कथा मध्य नहीं पारिबा जस्ट लाइक यह इकोटोन रे गोटे प्रकार एग्जांपल सो इकोटोन ना गोटे इकोसिस्टम एंड आउ गोटे इकोसिस्टम जो जगह जॉइन होती
जो जगह इंटराक्शन होता है जो जगह मान से जंक्शन टाक आम इकोटन कहे फल से स्थान में किसी गोटे स्पेसीस विभिन्न प्रकार स्पेसीस स्थान गढ़ी उठी था जो जस्ट लाइक आम हेताल बण कथा कह फल गोटे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड अनदर आक्वाटिक इकोसिस्टम से जगह मिसी था फल से जगह मैनग्रोव फॉरेस्ट सृष्टि होता है। आमर चिलिका कथा जदि आम ना जो अधिकांश प्रकार पक्षी सेठार देखा जाती पक्षी पक्षी स्पेसीस जगह अधिक परिमाण देखा जाए कारण से जगह आमर फ्रेश वाटर तथा कि लैंड इकोसिस्टम तथा सेपटू मारैन इकोसिस्टम इंटरलिंग होता है फल से स्थान अधिकांश परिमाण बार देखा जाती तथा भरत राजस्थान ठीक राजस्थान भरतपुर पक्षी अभयारण्य पड़ू फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम फल से जगह अधिकांश परिमाण पक्षी देखा जाती तेणु इकोटोन डेफिनेशन कौन ना इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम बुझिपारे इकोटोन डेफिनेशन हो इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम देन देखिबा इकोटोन कैरेक्टरिस्टिक्स इट मे बी न्यारो और क्वाइट वाइड यह साधारणतः न्यारो जोन हो पारे अणुसारी हो पारे तथा किंबा मोस्ट वाइड हो पारे किंबा लार्ज हो पारे स्मॉल हो पारे दिस टाइप ऑफ सो यही इकोटोन जोन को आम जोन ऑफ टेंशन कहे कारण यही स्थान में विभिन्न प्रकार प्राणी मानकर नुआ नुआ प्राणी मानकर गोटे शरीर गठन कथा कहवा खाद्यपेय कथा कहवा सो एम बोथ आर मिक्सड थाए एपटे टेरेस्ट्रियल आम टटरेज कथा कह कि एक उभयचर पाणी से एकदम स्थल बास कर पारे एकदम जलर मध्य से बास कर पारे तेनालीर शरीर गठन कि अलग होता है। सो इट इज ए लिनियर आज इट सो प्रोग्रेसीव इनक्रीज अफ स्पेसीस कंपोजिशन वन इनकमिंग कम्युनिटी एंड ए सैमिलटेनियसली डिक्रीज इन स्पेसीस of the other outgoing adjoining community. A well-developed ecotone contains some organisms which are entirely different from that adjoining community. Hela, terrestrial ecosystem re basa gothe jiva manang ebam aquatic ecosystem re semanaka praya to sarra gathan pura alga thai karana jodi ame machha katha kahiba fish katha kahiba tahale taku ame sarra terrestrial ecosystem ku aniki rakhile se survive kari paribo nai jodi ame किंबा कौन सी आज ये ह्यूमन कथा कह आम दिखी जी नहीं कि जल छाड़ा रहा आम से स्थान सर्वाइव करें कि दुई जो जंक्शन जो घटी था सेठार जो स्पेसीस मैंने कौन स्पेसीस मैंने गढ़ी उठी था तो से स्पेसीस मानक गोटे शरीर गठन से प्रकार रही था जो मैंने कि बोथ केस्रे सर्वाइव करपारती तेणु शरीर गठन गोटे वेल डेवलप्ड होता है तथा यही स्थान में से प्रकार स्पेसीस गोटे इनक्रीज बहुत परिमाण रे इनक्रीज हो जाए तेणु बहुत परिमाण रे ए प्रकार स्पेसीस देखा जाती तेणु यह एड्स एफेक्ट कहा जाए एड्स एफेक्ट कहा जाए और से स्पेसीस को एड्स स्पेसीस कहा जाए जो आमर मैनग्रोव फॉरेस्ट कथा कह पक्षी मैंने साधारण टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे पक्षी मैंने जो फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इंटरेक्शन रे देखा जाता पक्षी मैंने से रीजन कथा कह ए रीजन रे प्रायत यो स्पेसीस गुड़क आम एड स्पेसीस कहे। नेक्स्ट आम देखा इकोलोजिकल नीचे इकोलोजिकल नीचे संपर्क आर मु एग्जांपल कहे आज ये ह्यूमन आम देखिए श्वासक्रिया करने कौन आवश्यक होता है ना ऑक्सीजन देन प्लांट कथा आम धरवा प्लांट तार खाद्य प्रस्तुति आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड ना आम खाद्य कथा धरवा जी खाद्यपे आम कौन सी खाद्य को रोसे खाद्य रूप ग्रहण करदी आम गोटे काउ कथा धरवा गोटे आम घरे डोमेस्टिक एनिमल जो है कि काउ आम पालूचे गाई पालूचे से जो से प्राणी कथा आम धरवा तेल से प्राणी कि प्रकार तार ना तार खाद्य हूँ पाल कूट आमर विभिन्न चोकड़ खाद्य सी रूपए से ही खाद्य जी आम गोटे आउ गोटे डोमेस्टिक एनिमल जो आम पोषुवा घरे डॉग को देवा कैट को देवा खाइब से कौन खाईपर ना कि प्रकार जो रही खाद्यपेय शरीर लिविंग विभिन्न प्रकार गोटे प्रकार शरीर गोटे क्षमता
এই ক্ষমতাটা হি কোয়া ইকোলোজিক্যাল নিচে। এ নিচে ইজ দ্য ইউনিক ফাংশনাল রোল অর প্লেস অফ এ স্পেসিস ইন এ ইকোসিস্টম। ইট ইজ এ ডেসক্রিপশন অফ অল বায়োলজিক্যাল ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ফ্যাক্টর অ্যাট এ স্পেসিস নিডস টু সারভাইভ স্টে হেলদি অ্যান্ড রিপ্রোডিউস। এহা এক প্রকার এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে যা কি গোটে স্পেসিস নিজকে সুরক্ষা দেবার সুস্থ রহবার এবং নিজের বংশ বৃদ্ধি করবার তাপাই সমস্ত প্রকার জৈবিক ভৌতিক এবং রাসায়নিক ফ্যাক্টর প্রোভাইড করে থাকে। সো এ নিচে ইজ ইউনিক ফর এ স্পেসিস হুইচ মিন্স নো টু স্পেসিস হ্যাভ এক্সটিঙ্কট এক্সাক্ট আইডেন্টিক্যাল নিচ। মু কহিলি যে আমপাই শ্বাসক্রিয়া ভাবে আমি অক্সিজেন গ্রহণ করছি কিন্তু প্লান্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড দরকার করছে। তেমন গোটে স্পেসিস গোটে কম্যুনিটি বাস করতে কোণী দুইটি স্পেসিসর খাদ্যপেয় কথা কহবা শ্বাসক্রিয়া কথা কহবা কোণী ক্ষেত্রে এক্সাক্ট সেম নথায়। নিচে প্লে অ্যান ইম্পোর্টাট রোল কনজরভেশন অফ অর্গানিজম। তেমন এই যে ইকোলোজিক্যাল নিডস প্লে অ্যান ইম্পোর্টাট রোল গোটে অর্গানিজম কু সংরক্ষণ করবার সাধারণত মুখ্য ভূমিকা নিভে থাকে। ইফ উই হ্যাভ কনজর্ভ এ স্পেসিস ইন ইটস নেটিভ হ্যাবিটাট। যদি আমি আমার সরাউন্ডিংরে কোণী প্রাণী কোণী জীব কু সংরক্ষণ করা চাহিদা তাহলে আমি তার এনি অদর রিকোয়ারমেন্ট সি কেউ এরিয়ারে বাস করছি সি কণ খাওছি এবং সি কিপরি তার নিজের বংশ বৃদ্ধি করছি এই সম্পর্কে আমার নিহাতি জানিবাকু পড়িও। ফলরে আমি সেই জীব জীবটাকে কনজর্ভ করে পারিবা আমার নেটিভ সরাউন্ডিংরে। আউ সেই যে রিকোয়ারমেন্ট গুড়িক জানিবা সহিত তাকু মধ্যে ফুলফিল করিবাকু নিশ্চিত করিবাকু হেব। নেক্সট যে টাইপস অফ নিচ সো হ্যাবিটাট নিচ হোয়ার ইট লিভস। মু কইছি যদি গোটে জীব সম্পর্কে আমি জানিবাকু চাহিবা গোটে জীবকু সংরক্ষণ করিবাকু চাহিবা তাহলে আমি তার হ্যাবিটাট নিচকু মধ্যে জানিবাকু পড়িব সে কেউ সরাউন্ডিংরে বাস করে তার পরিপার্শ্বটা কো প্রকার হওয়া আবশ্যক। নেক্সট ফুড নিজ হোয়ার ইজ ইটস অর ডিকম্পোজ অর হোয়ার স্পেসিস ইট কম্পিট উইথ সে কণ খায়ে আইদর সে কনজ্যুমর ইয়া ডিকম্পোজর অর প্রডুসর সে কো প্রকার প্রাণী প্রডুসর না কনজ্যুমর না ডিকম্পোজর। তেমন তার খাদ্য শৈলীকে আমাদেরকে জাঁয়া পড়ব। অ্যান্ড রিপ্রডক্টিভ নাইস সে কিভাবে ছুয়া জন্ম করে না অন্ডা দিয়ে থাকে এই প্রকার টর্মটি আমাদের মধ্যে জাঁয়া পড়ব। হাও অ্যান্ড হোয়েন ইট রিপ্রডিউস অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল নিজ যা কি তার বডির টেম্পরেচর করতে এবং সে কেউ টেম্পরেচরের নিজের বডি সরভাইভ করে তার ল্যান্ড সেপ কো প্রকার হওয়া পড়ে ল্যান্ড স্লোপ কো প্রকার হওয়া পড়ব সেই স্থানের আর্দ্রতা কো প্রকার রহব অ্যান্ড অদর রিকোয়ারমেন্ট আমাদের এই সম্পর্কের নিহতি জাঁয়া পড়ব বুঝলে। দেন এখানে গোটে মোস্ট ইম্পর্টাট কথা কুয়াছি টু স্কিম দুইটি স্কিম আমার আসছিলা যা কি দুইটি স্কিমর না হচ্ছে নগর বন উদ্যান যোজনা অ্যান্ড স্কুল নার্সারি যোজনা। এই যে নগর নগর অর্থ শহর শহর বন উদ্যান যোজনা ও স্কুল নর্সারি। স্কুল নর্সারি সাধারণত আমার স্কুল স্টুডেন্ট মানি হয়েছে আগর বন উদ্যান যোজনা যা কি আমার সহরবাসী মানি কারণ আজকাল ডেট্রে যে গ্রীন ফরেস্ট কু ডিস্ট্রয় করি আমার যে কংক্রিট ফরেস্ট কু স্থাপন করা যাচ্ছে সো এই কংক্রিট ফরেস্ট দিনে আমি কাল হব। তেমন নিহতি আমি এই কংক্রিট ফরেস্ট পুঁ থ গ্রীন ফরেস্ট কু ফেরা পড়ব। তেমন এই প্রকার যোজনা তথা আমার সরকার থ্রু আরম্ভ করা যাইছে। সো নগর বন উদ্যান যোজনা এইমস টু ক্রিয়েট আটলিস্ট ওয়ান সিটি ফর ফরেস্ট ইন ইচ সিটি উইথ এ মিনিমম এরিয়া 25 হেক্টর। তেমন মিনিমম এরিয়ার 25 হেক্টর আমাদেরকে বনীকরণ করা পড়ব। দ্য স্কিম এইম টু ক্রিয়েসন অফ এ সিটি ফরেস্ট শহর বনীকরণ ইন ফরেস্ট এরিয়া উইথ ইন দেয়ার জুরিসডিকশন অপ টু ম্যাক্সিমম অফ 100 হেক্টর। আমি চাইলে তাকে বড়াইকি 100 হেক্টর মধ্যে বনীকরণ করে পারিবা আইদর মিনিমম এরিয়া 20 হেক্টর 20 রু 25 হেক্টরে আমি তাকে বনীকরণ করি। দ অবজেক্টিভ অফ দ্য যোজনা ইজ টু ক্রিয়েট 200টি এই প্রকার যোজনাটা আমার কমপ্লিটলি 200টি শহরে লাগু হয়ে সারছে।
द स्कूल नर्सरी योजना एम टू बिल्ड ए लास्टिंग बॉन्ड ऑफ स्टूडेंट विथ नेचर। आमर जो ये गला नगर वन उद्यान योजना कथा आम डिस्कशन कले नेक्स्ट आम जहाँ अच्छे स्कूल नर्सरी योजना ताकि स्कूल स्टूडेंट मानी स्टूडेंट मान द्वारा वनीकरण कर आजिका टाइम प्राय स्कूल आप लक्ष्य करेंगे तेणु यह एक गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा आम दी आमपाई तेणु आटलिस्ट ए संपर्क आम दी जानवाक पड़ो तेणु यह केवल गोटे पर्टिकुलर स्टूडेंट मानी नुहे तेणु यह प्रत्येक कर्तव्य आज आम आर्थ में आम बास करे तेणु प्रति प्रत्येक कर्तव्य जे आम आटलिस्ट गोटे गच लगे आटलिस्ट गोटे गच लगे जिते परिमाण में आम गच्छ डिस्ट्रॉय करे बदल आम प्रति प्रत्येक जब गोटे गोटे गच लगे तालोले निहाती पुणी थे आम पृथ्वी तार पूर्वावस्था को फेरी पार तेणु निजर चतुर्पाश्वर एनवायरमेंट को सेव करंतु वाटर सेव करंतु फल आर्थ मध्य सेव हो पार अनेक जीवजंतु अनेक लाइफ मध्य सेव हो पार। सो आजपाई ये जय हिंद।